Assalamualaikum, मेरा नाम हसन है। आप लोग देख रहे हैं HFN Entertainment। वसीम भाई के रीडिंग सेटअप का टूर कराने लगे हैं। क्या इनकी प्रोग्रेस है इस टाइम, कितने कितने कौन कौन से बच्चे निकले हैं, वो सारा आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने साथ बने रहना है, इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बच्ची ब्लैक विंग जो है इस टाइम बहुत ऊपर उसका स्कोप जा रहा है, हम लोग वहाँ पे जाने। वसीम भाई क्या दिखाने लगे हैं सबसे पहले? ये बाहर से खुलेगा वो ऑफिस का? नहीं खुलेगा, बाहर से हम दिखाएंगे बजरी ब्लैक विंग। ये आपको ब्रीडर नजर आ रहा है यहाँ तो, यहाँ पर से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा बड़ा है और एक छोटा है। वसीम भाई ये शौक के लिए कि अपने लिए है? शौक के लिए मिल जाएगा, ये किसी ने शौक करना उसको मिल जाएगा ना। ये जो है शौक अगर किसी ने करना हो अपने लिए तो ब्रीडर आप ब्लैक विंग का मेल जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और फीमेल, तो साथ में ये बच्चे वगैरह या उस टाइम जो निकले होंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में क्या मिलता है हम लोग देखते हैं वसीम भाई के सेटअप पे। अब क्या दिखा रहे हैं वसीम भाई अब हमें? ओके, ब्लैक विंग का हम लोगों को पीस नजर आ रहा है। ये देखें यहाँ पर हमें माशाल्लाह ब्लैक विंग के बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बच्चा कितना प्यारा है, दरमियान वाला स्लेटा सा, हाथ क्रस्ट भी बने हुए इन बच्चों के। अच्छा होगो का स्ट्रीट है और वो ब्लैक विंग की फीमेल है इसके अंदर। अरे सारी ब्लैक विंग की वर्किंग आपकी अपनी घर की है ना? अच्छा मैं इनके पास दो साल पहले आया, टोटली वर्किंग जितनी भी इन्होंने की ना खुद की अपने घर से, कोई मतलब एक या दो जोड़े लाए थे, एक जोड़ा लाए, एक जोड़े है वर्किंग स्टार्ट हुई थी। तो अब आगे देखते हैं वसीम भाई हमें और क्या दिखाते हैं। वसीम भाई ऊपर ऊपर दिखाना, सारे केजीज दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ यानी कि हर म्यूटेशन के अलग अलग केजीज आपको दिखाते हैं कितने कितने किस किस म्यूटेशन ने निकाले हैं। रजीला के अंडे दिखाते हैं आपको, बड़ी अग्रेसिव है यार रजीला की फीमेल। अंडा आ गया माशाल्लाह, चार अंडे हैं, चार अंडे। ये क्या वैल्यू रखता है इसका बच्चा? 12 तक का इसका बच्चा होता है। ये फाउन जावा, फाउन जावा इसने भी ब्रीड की हुई है। बच्चे निकाले फाउन जावा, कितने कितने बच्चे निकालते हैं? ऊपर जावा मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी सारी मशीन ट्रेंड हुए हैं, लाए हुए थोड़ी नजर आए जरा किस तरफ जाएंगी अभी। ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी जावा आपको नजर आ रही हैं, और इनकी कलोनी जावा की मैं आपको बता दूं कहाँ लगी हुई है। पहले मैं आपको यहाँ पे जावा दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी सारी जावा है यहाँ पे। वसीम कितने पीस हैं जावा के यहाँ पे? गिने नहीं कभी, वैसे ही ये यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और आप दाना नहीं डालते ना इनको? दाना नहीं डालते इनको, कब डाला आखिरी बार? ये बच्चे इनके छोटे तीन पे गिर जाते तो मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, वो इनको फीड करवाते रहते हैं। ये बच्चे हैं, ये इसमें रखनी है ना? जी जी, ये मैंने रखी है यहाँ पे, खुद ही फीड कराते रहेंगे, मतलब आपको पकड़ने की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये होगरों की वर्किंग हो रही है ब्लैक विंग की, बड़ा हैवी माशाल्लाह फूल निकाला हुआ इसने यार। ये ब्लैक विंग की फीमेल और होगरों का मेल है। ये स्प्रेड है ब्लैक विंग का, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं? हाँ जी एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है बर्ड अभी ब्लैकिंग, एक्सपोर्ट हो रहा है ब्लैकिंग की बहुत अच्छी मार्केट जा रही है। अच्छा अभी हम लोग दूसरी साइड पे चलते हैं, दूसरे सेटअप पे सारा दिखाने बैठ गए तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, कल तक फारक नहीं हम लोग हो पाएंगे। कितना पीछे लगा हुआ है? 100 सारा ब्रीडर ही लगा हुआ है ना, अब सब दिखाने बैठ जाएंगे तो सारा दिन लग जाएगा। अभी हम लोग क्या करने लगे कि यहाँ से रास्ता है वसीम भाई के दूसरा जो उन्होंने घर लिया है वहाँ पे सेटअप लगाया उस तरफ जा रहे हैं। तो ये पहले हम लोग यहाँ से डोर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर वसीम भाई कैसे अंदाजा लगाया है दीवार इस तरफ से निकलती है? बाद में बेडरूम निकला था चाहे। ये अब हम लोग एंटर हो गए हैं इनके दूसरे वाले सेटअप के अंदर, दूसरे वाले घर के अंदर कह सकते हैं, सेटअप के अंदर कह सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। वसीम भाई यहाँ पे क्या लगाया आपने? यहाँ ज्यादा मैंने डब लगाई हुई है और गोल्डन वगैरह। ये देखें ये वसीम भाई का न्यू सेटअप है, यहाँ पर आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बर्ड्स नजर आ रहे हैं प्रॉपर, अभी मैंने भी नहीं देखा सारा, देखते हैं जी क्या कह रहे हैं गोल्डन की क्या प्रोग्रेस है। ये देखें ये माशाल्लाह बंगलाइज का पेड़ है, इसने 5 बच्चे पाले हैं गोल्डन के, बंगलाइज ने। हाँ जी, क्या क्या ब्लू है बाकी ब्लू? अभी गोल्डन क्या रेट जा रहा है? गोल्डन का जा रहा है ब्लू का तकरीबन 10-15 का पेड़ जा रहा है, 10-15 का पेड़ जा रहा है, 10 का पीस है, 10 का पीस जा रहा है गोल्डन का। हाँ जी ब्लू गोल्डन ब्लू का सही है। शादी का 10 का जोड़ा, 10 का जोड़ा। ये कितने बच्चे इसने 5 निकाले हैं बंगलाइज ने, उसको आपने फोस्टर किया था उसके अंदर? ये अभी शौक के लिए है कि अपने लिए है? नहीं ये शौक के लिए, ये अभी मिलेंगे नहीं किसी को, नहीं मिलेंगे, ये दूसरों के शौक के लिए है। 35 का पीस मिलेगा आपको, 30 ठीक है। ये बड़ा हो गया कितने का हो जाता है? बड़ा आगे अगर ब्लू होगा तो तकरीबन 10 का। ये भी फोस्टिंग किए थे, ये भी बंगलाइज है ना ऊपर? हाँ जी, ये भी गोल्डन का पाल लिया बच्चे, ये बच्चा भी फोस्टर है। हाँ जी ये नीचे बैठा हुआ है, ये आपको फोस्टर बच्चे नजर आ रहे हैं इधर। ये माँ बाप एक ब्लू है एक स्प्रिट है, उनमें से ब्लू बच्चे भी आते हैं वो भी आते हैं, दोनों फोस्टर किए हैं। हाँ जी। अच्छा आगे और क्या फोस्टर हुआ हुआ है? ये भी इसने भी मेरे ख्याल कोई अंडे वगैरह रखे हैं? हाँ जी, इसने गोल्डन के अंडे मैंने सबके फोस्टर किए हुए। ये गोल्डन है कहाँ में जिनके सारे अंडे
इधर रखे हुए अपने। अच्छा ये जितने भी है ना सारे फॉस्टर बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, वो चिड़ियां अंडे देती हैं वो इनके नीचे रख देते हैं, ये बच्चे फिर निकालती हैं उन चिड़ियों के। ये स्पैरोज हैं गोल्डियन, इसका ग्रे हेड है, ये काफी महंगे लोगों के पास नहीं है, ये हैवी चीज है, 20-25 का पीस। ये नर कौन सा मादी कौन सी है? ये पर्पल चेस्ट वाली नर है और व्हाइट चेस्ट वाली मादी है। अच्छा ऐसे ही है, ये ब्लू ग्रे हेड है, ये भी मतलब की अच्छी चीज है, ये भी मैंने घर में वर्किंग करके बनाए हुए हैं। माशाल्लाह सही है। और ये नीचे है, इन सारों के बड़े पोस्टर किए सारे इन्हीं के हैं। हाँ इनकी है, ये नर है, ये भी ग्रे हेड है। हाँ जी इसकी माता है, ये माता है, ये एक ही नस्ल है। हाँ मैंने ग्रे हेड देखे, ये देखे, ये बंगलाइज है। हाँ ये बंगलाइज और डाउन मेरी कटी ब्रीड का है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? ये बच्चे को तो अपनी पाल रही है, व्हाइट बंगलाइज है। इसके पोस्टर नहीं किया आपने? नहीं पोस्टर नहीं किया। क्या रीजन हुआ पहले आपके पोस्टर है पोस्टर नहीं कर रहे? उसकी जगह नहीं थी, गोल्डन अंडे नहीं दिए थे, अपने बच्चे पाल रहे। सही है, तो व्हाइट बंगलाइज तक की होती है। एक व्हाइट बंगलाइज तकरीबन 800 का 1000। ये एक ही इनकी बड़ी मजेदार चीज है जो डव और कट्ठी ब्रीड करती है, तो तंग नहीं करती है एक दूसरे को। बच्चे नहीं है उधर, वो ये देखें डव का बच्चा कितना खूबसूरत है, वाइट डव का एक ही निकाला है इसने। और यहाँ पे सामने अभी फिलहाल बच्चे निकले नहीं है बंगलाइज के, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बंगलाइज का बच्चे निकले हैं। इसमें ना कोयला बच्चा है ना? ये स्प्रिट लड़ की लड़ पाई की, और ये इसकी फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, मेल बैठा हुआ है, मेल है वो फीमेल। वही मैं कहा मेल इतना ताबेदार हो गया, बैठ गया, ताबेदार होते हैं। अभी ये मेरा नहीं है, ये सारी प्रोग्रेस है, ये घर की ब्रीड है ना सारी, ब्रीड है सारे बच्चे, ये ब्लैक विंग के सारे आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, सारी होम ब्रीड है, जितनी भी आपको नजर आ रही है ये सारे। ये बजरी जिनको नहीं पता वो परेशान हो जाते हैं, इवन के मैं भी परेशान हो जाता हूँ यार, ये ऑस्ट्रेलियन तो होता है और ये ब्लैक विंग, मतलब इतना फर्क आ गया। ये भी सारे स्प्रेड है, ये सारी होम ब्रीड है, होम ब्रीड है। ये देखें ये सारी आपको होम ब्रीड नजर आ रही है, ये भी सारे प्रोग्रेस में शामिल करते हैं हम लोग। कौन कौन से हैं? ब्लैक विंग भी है ना कुछ? हाँ ब्लैक विंग भी है। ये मुझे ब्लैक विंग लग रहा है, ऑलिव कलर का जो बैठा सामने। ये कितने पीस हैं सर? ये होंगे तो 30-35 पीस होंगे। होम ब्रीड है, ये होम ब्रीड है सारी। ये देखें सारी होम ब्रीड आपको नजर आ रही है वसीम भाई की। ये कितना बच्चा निकला आपके इस सीजन में? इस सीजन में कम से कम 100 बच्चा निकला होगा। ये 100 बच्चा इनकी प्रोग्रेस में आ रहा है। आगे आ जाएंगे, आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि और क्या पड़ा हुआ प्रोग्रेस में। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने ग्रुप के अंदर फेसबुक के शेयर कर दें इसको। अंदर चला जाऊं? बाहर ना आ जाएं। ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप कलोनी येलो बर्ड की, ये बच्चे हैं सारे, ये सारे प्रोग्रेस में शामिल होते हैं, ये सारे प्रोग्रेस में शामिल होते हैं। हाथ मारे डंडे भी आगे बैठे वहाँ से, मेरे से डर बहुत ज़्यादा रहे, मैं नया बंदा हूँ ना। ये देखें ये कितने हैं वसीम भाई? अंदाजन ये सारे मिल जाएंगे, ये किसी को भी चाहिए सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर अल्बाइनो के पीस भी बैठे हुए हैं सामने, वो भी तकरीबन 4 वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ, एक दो यहाँ पे बैठे हुए, बल्कि अल्बाइनो नहीं है, हल्का है शेड है, तो फिर कोई स्प्रिट वगैरह ही किसी चीज़ का। वसीम भाई आपको गाइड कर देंगे क्या चीज़ है। आगे चलते हैं आपको और दिखाते हैं और यहाँ पे क्या है, अब वसीम भाई की प्रोग्रेस में और क्या क्या आया है सीज़न के अंदर वो भी आपको दिखाते हैं। वसीम भाई और क्या आया है प्रोग्रेस के अंदर आपके पास? ये बच्चे जो होम ब्रीड आई है सीज़न की, ये डव है, ये 5000। ये कितने आए हैं माशाल्लाह? ये हो गए 2500। 25 आए हैं, इससे पहले भी कोई आया था कि यही आए हैं बस? पहले पहले दे दी हैं। अच्छा जी ये देखिए कौन सी है वसीम भाई, बताइए जरा। ये पाई डब है, पाई डब है। ये कलर तो लदा लदा है इसके अंदर, रेड पाई डब, डायमंड पाई डब, माइटल पाई डब। ये 25 बच्चे हैं यहाँ पे वसीम भाई, ये भी शौक के लिए है ना? नहीं ये मैं बनाने जा रहा हूँ। खुद रोकेंगे आप अपने लिए? ये देखें ये सारी इनकी होम ब्रीड है माशाल्लाह से, ये इन्होंने घर में सारी ब्रीड करवाई है। वसीम भाई शौक तो माशाल्लाह अच्छा खासा है, यानी ये ब्रीड हैवी है, ये ब्रीड का भी ये सेटअप खुला करने की वजह से। हाँ जी सेटअप खुला करने पर ध्यान दो तो ब्रीड आती है, ध्यान नहीं दोगे तो ब्रीड नहीं आएगी। अगर दिहाड़ियों के चक्करों में बैठे रहोगे यार ब्रीड नहीं आ रही, दिहाड़ी नहीं लग रही, पैसे कमा लूं, ये शौक से होता है कि कमाई से होता है? ये शौक से होता है, प्रॉपर खुराक डालो, प्रॉपर ध्यान रखो इनका, तो अच्छी ब्रीड आती है। कह रहे हैं ये 20 पेयर में सारे बच्चे लिए हैं? हाँ जी इन्हीं के हैं। ये इन्हीं के कौन कौन सा यहाँ पे पेयर आपके पास? ये रेड पाइट है, ये रेड पाइट है, ये रेड पाइट है, ये सिल्वर पाइट है। सिल्वर पाइट का कितने का पेयर? सिल्वर पाइट का यार इस टाइम तकरीबन कोई 15000 का बच्चा चल रहा है। बच्चा क्या बड़ा 15000 का? ना करो यार यकीन मानो। हाँ जी मैंने गलती नहीं कर दी ना लेके। ये देखें ये सिल्वर है,
ये प्योर सिल्वर है। ठीक है, ठीक है ना। इसका बच्चे ऐसे हम लोग 4-4 हज़ार रुपये बच्चे का मांग रहे हैं। वो वाइट है, सिल्वर है, उसको ब्लू कहते हैं, और ये सिल्वर है। ठीक है, नहीं ये हम लोग सारे रिवील कर दें कि ये हमारी बातों में आके ना ले अपने शौक से लें। ये बाद में 200 का भी हो सकता है, ये पहले बता दें आपको। पहले ये हमारे पे कहने पे नहीं लेना, इस टाइम जो इसकी चल रही है ना पोजीशन वो बता रहे हैं ये भाई जान। बाद में 200 रुपए का भी हो सकता है, आप लगा के ब्रीड लें, बाद में 200-200 का हो जाए। ये चीज अपने जेन में रखनी, अपनी मर्जी से लेना जो भी लेना है। वसीम भाई अंडा उसने फेंक दिया नीचे, उसमें रख दें, वो आपने रखा है नीचे। क्या करते हैं इतने सारे अंडों का फिर? अच्छा आगे चलते हैं, वो क्या प्रोसेस सिखा रहे हैं आप? इन सारे केजीज को छोड़ते हुए हम आगे जा रहे हैं, काफी सारे वर्ड हैं लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वसीम भाई इनको भी पूर कराएंगे। क्या है क्या ये इंसानों को भी छोड़ते हैं हम लोग? इसमें भी ब्रीड आई हुई है ना, आई हुई है यहाँ पे थोड़ी फ्रेंची नजर आई जी। सुरखाब भी होम ब्रीड है, ये घर का बच्चा है, इसके पेरेंट्स का है, इसके पेरेंट्स दे रही है। माशाल्लाह कितना प्यारा है यार, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये इसका बताया नहीं, ये होम ब्रीड है? हाँ जी होम ब्रीड है। ये कितने निकले हैं बच्चे? ये कितने होंगे? 20 को होंगे। ये कौन कौन सी है? व्हाइट चीक है, इसके अंदर कॉमन है, ब्लैक चीक है, एग्जीबिशन कस्ट में है, कॉमन भी है ना इसमें? कॉमन भी है, सही है। ये जावा भी है बीच में, ये सारी प्रोग्रेस है, ये भी प्रोग्रेस में सही है। ये देखें ये बच्चे उस पे ही मैंने कर दी है, इसी साल की होम ब्रीड है सारी। ये कितने कितने अच्छे के बच्चे हैं? ये वाले और ये वाले और ये वाली क्या चीज है? ये नए आए हैं? ये लेके आए हैं आप? लेदर लेदर क्यों रखे हुए हैं? वो जरा वीक हुआ था, उसमें मेडिसिन दे रहा हूँ। अच्छा, अभी हम आगे जा रहे हैं, नीचे चलते हैं और जाकर दिखाते हैं वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलते हैं। वसीम भाई के नीचे वाली घर में पहली बार मैं जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जाकर देखते हैं हमें क्या मिलता है वसीम भाई के घर। वसीम भाई इधर भी पूरा भर देंगे घर को, आप इधर भी पूरे घर को भर देंगे आप बर्ड से इंशाल्लाह। यहाँ पे सोते हैं आप? नहीं, ये दुकान का लड़का सोता मेरा। अच्छा, दुकान का लड़का रातों घर आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग अब रूम के अंदर आ गए हैं। ये ब्रीडर सारे नजर आ रहे हैं? हाँ, ये सारा लापरवाह है वो। आप इस तरफ है, लाइट उस तरफ है, ये जितना भी बच्चा हमें नीचे नजर आया सारा इनके है। ये कुछ भी बच्चे बड़े हुए, ये घर के बच्चे जो निकले हैं इस साल के? हाँ जी। ये कितने निकले हैं? ये होंगे भाई 8-10 होंगे, 8 से 10 बच्चे निकले हैं ये इस साल के बच्चे हैं। देखिए ये रेड है, ये कौन सा वसीम भाई? ये यूविंग ऑफ लाइन है। ये महंगा? हाँ जी। कितने का होगा? ये होता है 40-50 हज़ार का। अल्लाह अकबर। ये वाला ये इनो बैग है या स्पेट है? इनो। ठीक है, ये कितने का होगा? ये तकरीबन 1000 का। और रेड है इसका? रेड है इसका तकरीबन 13,000 का। 13,000 का। अच्छा, ये भी जो आपको नजर आ रहे हैं ये माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा कलर है वसीम भाई, ये कौन सा कलर है? ये पाइड में है। पाइड है? हाँ, पहले लोग म्यूटेशन में लोग पसंद नहीं करते इसको, ये क्रीमिनो के बच्चे निकले हैं ये देखें। हाँ माशाल्लाह, ये देखें क्रीमिनो का बच्चा, क्या बात है माशाल्लाह। और ये रेड है इसके बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बार्बिलू है, ये स्पेटिनो हो गए बच्चे इसके। ठीक है, ये आगे क्रीमिनो बच्चे निकालेंगे, ये बच्चे क्रीमिनो बच्चे निकालेंगे। हाँ, ये बच्चे क्रीमिनो बच्चे निकालेंगे। तो यहाँ पे सारों ने ब्रीड की हुई है ना इस टाइम? हाँ जी, सब ने ब्रीड की हुई इस टाइम, सबकी ब्रीड है, सबकी ब्रीड आई है। ये देखें, ये क्रीमिनो है, ये अल्बिनो है, ये पेस्टरिनो है। अच्छा, ये भी क्रीमिनो बच्चे निकालेगा, ये जोड़ा क्रीमिनो निकालेगा। पेयरिंग क्या की हुई आपने? पेयरिंग अल्बिनो क्रीमिनो और पार्बिलो, क्रीमिनो और पार्बिलो की पेयरिंग में से वाइट और पेस्टल बच्चे निकले हैं। हाँ, पेस्टलिनो वो निकालेंगे, क्रीमिनो बच्चे। वसीम भाई बाकी हम लोग उस पर दिखा देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, 0322-80-25-29-4 के ऊपर वसीम भाई से आप लोग रब्ता कर सकते हैं, वसीम भाई हो जाएंगे आपकी खिदमत में हाजिर। आपको जो भी चाहिए होगा वसीम भाई से मिल जाएगा, जो इनके पास है वो भी मिल जाएगा, जो इनके पास नहीं है वो भी अरेंज कर देंगे। बट एक कंडीशन है कि आपने आके तसल्ली करके खुद अपनी जिम्मेदारी पे चीज अपने शौक को लेके जाना है। डन हो गया? लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।